everyone. I am Saveri Sargam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. I have done my graduation from SRCC, Masters from CESP JNU, and for the past 1 year I have been working with ISI Delhi. In this video, we will discuss the ISLM analysis. So let me tell you one interesting factor about this. It was given in 1937 by John Hicks and it holds its value even today. So let's get into the video. Before getting into the video, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. So let's start our ISLM analysis by refreshing our basics from Keynesian theory, because ISLM is actually derived from your Keynesian theory. So it was given by this brilliant man, John Maynard Keynes. He gave the Keynesian theory, by which Hicks in 1937, as I told you, derived this ISLM model. So Keynes is a macroeconomist, and what does a macroeconomist do? He sees what is the aggregate demand and the aggregate supply of your economy and what role it plays for our national income. And if there is some problem with our इकोनॉमिक हेल्थ, जैसे किसी बंदे की हेल्थ होती है, ऐसे ही इकोनॉमिक हेल्थ को जज करने के लिए हम कुछ रूल ऑफ थंब यूज करते हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है. तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कीन्स गेव दिस थ्योरी दैट अग की एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारा आ रहा है आपके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो सारे एप्पल्स हैं इनका एग्रीगेट कर दिया जाए, प्लस इसमें पूरी इकोनॉमी का राइस, पूरी इकोनॉमी की बॉटल्स, जिस भी चीज़ के आप कंजम्पशन करते हो उसका एडिशन कर दिया जाए, प्लस ये ट्रैक्टर्स. ये ट्रैक्टर्स क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इन सब इसका भी एडिशन कर दिया जाए तो वो आपकी एग्रीगेट डिमांड बनती है. प्लस आपकी एक एग्रीगेट सप्लाई है इकोनॉमी में. फॉर इकोनॉमी टू बी एट इक्विलिब्रियम इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. तो कीन्स कहता है देयर माइट बी अ केस वेयर माय एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ माय एग्रीगेट सप्लाई. इसका मतलब क्या है कि देयर माइट बी अ केस कि जब आप एप्पल्स मुझे दो तो कंजम्पशन के लिए, सप्लाई तो हो उसकी, बट आई डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम योर एप्पल्स. वाई? बिकॉज आई डोंट हैव इनफ परचेजिंग पावर. तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो डिक्टेट करता है कीनेजियन थ्योरी, कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए सो दैट इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो. और जब इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो क्या होगा, लोग की डिमांड फिर से बढ़ जाएगी. सो इकॉनमी विल बी क्लोजर टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो ये थी हमारी कीनेजियन थ्योरी के बेसिक्स, ये हमने रिवाइज कर लिए. आगे हम फटाफट से ये देख लेते हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो कीन्स कह रहा है, जो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड बनाता है जिससे हम अपनी नेशनल इनकम डिराइव करते हैं, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. तो आपकी जो कंजम्पशन है वो आपके कितना आपके हाथ में इनकम है उस पे डिपेंड करती है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैसे, यू आर एन इन्वेस्टर, आपको लोन लेना पड़ेगा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप किसके पास जाओगे, बैंक के पास जाओगे. सो व्हेन यू आर गोइंग टू दिस बैंक, बैंक आपसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले पाओगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स की तरह हो गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट घट जाएगी. सो नाउ वी हैव कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है. सेकेंडली ही सेड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मार्जिनल ऑफ
एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के मतलब कि एक आपके पास 10 ट्रैक्टर हैं ऑलरेडी, एक और ट्रैक्टर अगर आप ऐड कर लो अपनी इन्वेस्टमेंट में तो उस पे उसका क्या असर पड़ेगा। ऑल्सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ माय कैपिटल, इफ इट डेप्रिशिएट्स अ लॉट देन आई वुड नॉट वांट टू कंज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट। तो फॉर फर्दर एनालिसिस ISLM के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो हिक्स ने दिया ये जो ISLM, ही गेव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कीन्स। ही सेड ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन हु वॉज एबल टू कनेक्ट द मनी मार्केट विद द गुड्स मार्केट। कैसे कनेक्ट कर पाया किंग्स? तो अभी हमने बात की कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से आ रही है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज डिटरमाइंड फ्रॉम योर मनी मार्केट। यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स एक्सिस पे आपका मनी वैल्यू है, मनी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई वर्टिकल है बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाई योर बैंक, योर सेंट्रल बैंक, तो वो वर्टिकल है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम होता है मनी मार्केट का, यहाँ से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड है। मतलब कि जो मनी मार्केट डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका असर पड़ रहा है हमारे ये गुड्स मार्केट, है ना, कि ट्रैक्टर हम कितना खरीद रहे हैं ये हमारा इस जगह से आ रहा है कि हम मनी डिमांड क्या है इकोनॉमी की और मनी सप्लाई क्या है इकोनॉमी की। सो नाउ ही सेड कि उसने ये तो कर लिया कि मनी मार्केट का गुड्स मार्केट पे क्या असर हो रहा है, बट ही वॉज नॉट एबल टू लिंक गुड्स मार्केट का मनी मार्केट पे क्या असर हो रहा है। सो टू गिव दैट कंप्लीट मॉडल हिक्स ने ISLM बनाया। तो अकॉर्डिंग टू हिक्स द देर इज अ म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन योर मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट। कैसे? लेट्स सी। सो ISLM का डेरिवेशन के लिए IS का पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं। IS का मतलब होता है योर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग शेड्यूल, ठीक है, IS। सो अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कोई दूर की चीज, मनी डिमांड और मनी सप्लाई डिटरमाइन कर रही थी, इट वाज एक्सोजनस टू आर मॉडल अभी तक गेन्स में। अब हिक्स क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट इज एंडोजिनस टू आर एनालिसिस, कि हमने वो अपने मॉडल में रख लिया और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरिएबल करके देखेंगे कि उसका आपकी नेशनल इनकम, जो कि हमारा मेन गोल है कि नेशनल इनकम क्या चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। सो ही सेड कि फॉल देर इफ देर इज अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट द इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट लेस। जब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो यू विल डिमांड मोर। इफ यू आर गोइंग टू डिमांड मोर, जो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम है वो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव दिस एनालिसिस। तो अभी हमने यही बात करी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया कि आर नॉट, जब इन रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारे पास आई नॉट इन्वेस्टमेंट है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई टू I1। इससे क्या हुआ, आई नॉट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड ये चल रही थी 0.1, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई देन योर एग्रीगेट डिमांड बिकम्स 0.2। सो नाउ योर एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग देन योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। तो हम यहाँ से एक एनालिसिस ड्रॉ कर लेते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और ये वाई नॉट पे से Y1 पे हमारी नेशनल इनकम शिफ्ट कर गई। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो आपकी नेशनल इनकम भी क्या गया, बढ़ गई।
है। तो अब हम आईएस कर्व इसलिए डिराइव करते हैं कि ये जो मिडिल मैन है ना हमारी सारी इकोनॉमी में से, ये सारे हमारे एनालिसिस से कि आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है, हम इन सारे के ये इतने सारे ग्राफ्स को हटा पाए। जब हम ये सारे ग्राफ्स हटा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपकी जो नेशनल इनकम है उसके बीच में एक कर्व आ जाएगा विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज योर इन्वेस्टमेंट फॉल्स एंड सो डज योर नेशनल इनकम। तो हमारे पास एक इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा आईएस कर्व हो गया। अब हम ये देख लेते हैं आईएस कर्व में शिफ्ट कब होएगा। आईएस कर्व में शिफ्ट होगा जब हमारे एक्सोजेनस जो वेरिएबल है, जैसे अभी हमने बात करी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एंडोजेनस है, एंडोजेनस वेरिएबल है, वैसे एक्सोजेनस वेरिएबल्स जो है, एक्सोजेनस वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर इनकम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कंज्यूम टू ब्रेड्स अ डे, सो यू आर गोइंग टू कंज्यूम टू ब्रेड्स अ डे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, क्योंकि वो आपकी एक नेसेसिटी है। ऑल्सो आपके पास कोई वेल्थ है विच हैव बीन पास्ड ऑन थ्रू योर फोर फादर्स, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर करेंट इनकम, तो आप वो वाली इन्वेस्टमेंट को, और योर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ माई मॉडल, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाई योर पॉलिसी मेकर्स, तो वो मेरे ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं। तो जब ये चीज़ें चेंज होती हैं तो आपका जो आईएस कर्व है वो शिफ्ट करता है। कैसे? इफ एनी ऑफ दीज थ्री थिंग इंक्रीजिंग, आपका आईएस कर्व शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि ये एक शिफ्ट ऐसा है जो कि हर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरी इनकम बढ़ रही है। तो क्या होगा, कर्व के अलोंग मूव करने के बजाय हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें ये रूल ऑफ थंब पता चल गया कि हमारे अगर एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं उसमें अगर कोई चेंज आता है तो हमारा आईएस कर्व शिफ्ट कर जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टीपनेस ऑफ दिस कर्व। हमने इस कर्व को डिराइव कर लिया, हमने इस कर्व की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये बात कर ली, और ये कर्व में शिफ्ट कब होता है ये बात कर ली। अब देख, जो किसी का भी कोई भी अगर कर्व है कोई, उसके एनालिसिस में नेक्स्ट क्या चीज होती है, क्या उसकी स्लोप क्या है, यानी कि उसकी स्टीपनेस क्या है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो उसकी जो स्टीपनेस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें मैं इन्हीं इसी ग्राफ से दिखाती हूँ। आपका एक तो ये ग्राफ यूज हुआ हुआ है इस एनालिसिस में, इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हुए हैं। आपको बस यही ग्राफ का ये जो एनालिसिस है पूरा यही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ और कुछ याद नहीं रखना, अपने कोई रटना नहीं है इसमें। नंबर वन इज योर इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्राफ, उसमें तो हम स्टीपनेस किस पे डिपेंड कर जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिवनेस है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये वाला ग्राफ यूज हो गया हमारा एक, और एक ये वाला ग्राफ यूज हो रहा है। तो इसमें हम ये कह देंगे कि मल्टीप्लायर क्या है हमारा, वो भी कीन्जियन थ्योरी से ही आ रहा है हमारा, व्हाट इज माय मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट, उससे हमारी डिटरमाइन हो जाएगी हमारी आईएस की स्लोप की वैल्यू या फिर स्टीपनेस ऑफ माय आईएस कर्व। ठीक है, तो हमें यहीं से पता चल गया कि अगर मल्टीप्लायर बढ़ता है तो मेरा जो कर्व है दैट विल बी फ्लैट, और अगर आई इन्वेस्टमेंट रेट अगर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इंटरेस्ट रेट को देन ऑल्सो माई आईएस कर्व इज गोइंग टू बी फ्लैटर, क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा भी चेंज करता है इंटरेस्ट रेट तो मेरी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, और उस बहुत बड़े चेंज के आने की वजह से मेरा जो आईएस कर्व में जो चेंज है वो बहुत बड़ा होएगा। तो वो कब होएगा, जब मेरा कर्व फ्लैटर होएगा। लेट्स सी, ये मैंने एक आईएस कर्व ड्रॉ किया, ये इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा चेंज मैं लेके आई और ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। सो वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो।
नेक्स्ट इज माय एलएम कर्व। एलएम कर्व आपको आपके मनी मार्केट से डिराइव होता है। मनी मार्केट को अगर मुझे गुड्स मार्केट से ज्वाइन करना है तो हिक्स वॉज वेरी स्मार्ट। उसको पता था अगर मुझे ऐसे ज्वाइन करना है ना तो उसी कर्व पे लेके आना पड़ेगा कि जिसमें एक्स एक्सिस पे मेरा वाई है नेशनल इनकम है और वाई एक्सिस पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और उसमें मेरा मनी मार्केट कैसे प्ले कर रहा है उसके लिए मैं ग्राफ बना लूँ तो उसकी इंटरेक्शन मुझे पता चल जाएगी। जो मेरा पुराना ग्राफ मैंने बनाया है ये आईएस का जिसके अंदर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम है इससे मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। सो वी हैव दिस एलएम कर्व। एलएम कर्व कहाँ से आ रहा है? आपके मनी सप्लाई और मनी डिमांड के इक्विलिब्रियम से। सो लेट्स सी दिस एनालिसिस। तो मनी डिमांड जो है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कर्व है। व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस तो आपको मन करेगा कि मैं ज़्यादा स्पेंड करूँ। स्पेंड करने के लिए यू विल डिमांड मोर मनी, डिमांड ऑफ फॉर मनी विल गो अप। सो ये यहाँ से वाई नॉट वाला जो एम बार है एम डी है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा वेयर योर इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर। इस इंटरेस्ट रेट पे आपकी मनी डिमांड बढ़ने की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और अब मुझे देखना है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा नेशनल इनकम कैसे रिएक्ट करता है। और फिर नेक्स्ट इज कि मैं और इनकम बढ़ा दूँ तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला हमें? मनी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और उससे मेरी जो इनकम है उसका एक पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब मनी मार्केट के लिए इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज दिस सो मेरा लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। सो आई गेट अपवर्ड स्लोपिंग एलएम कर्व। सो फ्रॉम हेयर वी कम हेयर। तो अब मुझे ये पता चल गया मेरे गुड्स मार्केट का मनी मार्केट पे क्या असर हो रहा है। ये एलएम का एनालिसिस है कि एज माई इनकम इंक्रीजेस माई डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस आई गो ऑन टू अ हायर इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर मनी रिड्यूस द डिमांड फॉर मनी बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज कर जाएगा देन आई वुड वॉन्ट मोर मनी टू बी सेव्ड इन बैंक, है ना। सो कीप्स द एंड दिस कीप्स द डिमांड फॉर मनी इक्वल टू योर सप्लाई ऑफ मनी। इससे कहने का मतलब ये है कि एलएम कर्व जो है उसके हर एक पॉइंट पे मेरा मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एलएम कर्व। नेक्स्टली वी हैव दिस होल आईएस एलएम इक्विलिब्रियम। तो इस पूरे एनालिसिस का ये दिस इज कंक्लूजन कि मैंने एक अपवर्ड स्लोपिंग एलएम कर्व बनाया और मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस बनाया। अब इनका जो इंटरसेक्शन है पॉइंट ई पे ये मेरे पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है। तो हिक्स वाज एबल टू कंबाइन मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट एंड हाउ दे प्ले अ रोल फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम एज अ होल। तो हमारा ये जो ई पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे मेरा मनी मार्केट भी क्लियर करता है और जहां पे मेरा गुड्स मार्केट भी क्लियर करता है और उनका क्या म्यूचुअल इंटरेक्शन है ये भी क्लियर हो जाता है। वो मुझे एक कंप्लीट और कैसा एनालिसिस देता है? यूनिवर्सल। सो हिक्स का एनालिसिस वॉज अ लिटिल बिट सुपीरियर टू कीनीजियन एनालिसिस। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स आर आईएसएलएम इक्विलिब्रियम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.